क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग सॉइल इरोजन। स्टेटमेंट 1, सीट इरोजन अकर्स व्हेन ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम ए लार्ज एरिया। स्टेटमेंट 2, रिल इरोजन टेक्स प्लेस अलोंग फिंगर शेप्ड ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयरिंग एज थिन चैनल्स। स्टेटमेंट 3, गुली इरोजन इज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सीट इरोजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, डी 1, 2, 3। आंसर इज बी 1 एंड 2 ओनली। गुली इरोजन रिजल्ट्स ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल रिल्स टुवार्ड्स द स्टीप स्लोप विच फॉर्म वाइडर चैनल्स ऑफ वाटर नोन एज गुलीज। मृदा अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सी कथन सही सत्य हैं। कथन एक, परतदार अपरदन तब होता है जब एक विस्तृत क्षेत्र से मृदा की पतली ऊपरी परत विस्थापित हो जाती है। कथन दो, नलिका अपरदन उंगली जैसी नलिकादार संरचना जो कि पतली श्रृंखला के रूप में होती है के साथ होता है। कथन तीन, अवनलिका अपरदन दीर्घकालीन परतदार अपरदन का परिणाम होता है। निम्नलिखित कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी 1, 2, 3। उत्तर बी केवल एक और दो। अवनलिका अपरदन कई सारी नालिकाओं के खड़ी ढाल में परिवर्तित होने से होता है जो कि अवनलिका के रूप में जल की बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है।